अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेट वाज अंस और आज आपको मैं बताऊंगा स्नैपा के बारे में कि आप किस तरह ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्नैपा के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि स्नैपा किस तरह यूज करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, आपने गूगल में snappa.com लिखना है। जैसे ही आप गूगल में snappa.com लिखेंगे तो ये सामने इनके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये सामने आपके सामने आ जाएगी। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं, इधर से आपने स्नैपा गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करते हैं। जब गेट स्टार्टेड पे फ्री पे क्लिक किया तो ये हमारी अकाउंट डिटेल मांग रहे हैं। तो यहाँ आपने लिखना अपना नेम, लिख देना ईमेल, नेम लिखना है। तो इधर मैं अपना नेम लिखता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैंने इधर अपना नेम लिखा। तो इधर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिख देना है, उसके बाद पासवर्ड डाल के आपने इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। आई एम नॉट अ रोबोट, इसके ऊपर आपने गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक कर देना है। तो ये प्लीज कंफर्म डॉट मेल, इसके ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये अभी लोडिंग हो रहा है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गई। तो ये हमारे पास स्नैपा की ग्राफिक डिज़ाइनर की ऑफिशियल जो हमारी साइट ये ओपन हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस पे बताता हूँ कि आप YouTube का थंबनेल इधर से क्रिएट कर सकते हैं, अपने YouTube के लिए बेस्ट थंबनेल कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि व्यूज़ आपको जब मिलेंगे तो थंबनेल आपका अच्छा होगा तो आपको व्यूज़ मिलेंगे, अदरवाइज थंबनेल देख सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं वीडियो, व्यूज़ नहीं आते। दोस्तों मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर एंड में लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो जो भी करते हैं वो लाइक तो कर ही देंगे, मुझे पता है। अच्छा दोस्तों मजाक बहुत हुआ। तो ये देखें, ये सबसे पहले ये आपने देखना है कि अगर आपने अपनी फेसबुक के लिए कोई फ़ोटो अपने अपलोड करनी है तो अक्सर आपने देखा होगा कि फेसबुक पर जब हम अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर अपलोड करते हैं तो हमारी पिक्चर जो है काफ़ी बड़ी होती है और वो फेसबुक के ऊपर अपलोड नहीं होती और उसको हमें क्रॉप करना पड़ता है। थंबनेल हमारा समटाइम बहुत बड़ा होता है तो वो हम जब अपलोड करने लगते हैं तो वो क्रॉप करके हमें फिर वो हमारा सारा थंबनेल जो है ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक लिंक, उसके बाद अगर आपने जून सी लिंक्डइन की पोस्ट अगर आपने अपलोड करनी है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। ट्विटर पोस्ट को हम इधर थंबनेल पे बात करते हैं, थंबनेल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने थंबनेल के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास काफ़ी सारी इनकी पिक्चर्स आ गई। अगर आपको इनमें से कोई अच्छी लगती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इधर से क्रिएट फॉर्म सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं और हम अपनी लोडिंग और एक में लोडिंग कम्प्लीट होती है तो ये सामने आपके पास आ जाती है। तो ये देखें दोस्तों हमारे पास ये ब्लैंक जो है एक पेपर आ गया है। अब हमने इसको एडिट करना है, इसको एडिट कैसे करना है, आपने बैकग्राउंड में जो पिक्चर आपने लगानी है तो वो आप इधर से एक मिनट, ये बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगानी है ये आपके पास काफ़ी सारी पिक्चर आ गई हैं तो इधर से आपने कोई एक सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आपके पास काफ़ी फ़ोटो आ जाएंगी, ये पैटर्न आ जाएंगी, उसके बाद ये देखें कलर्स आ जाएंगी। तो अपलोड में आपने देख लेना है, अपलोड अगर आपके पास कोई अपनी को पिक्चर है तो वो यहाँ पे अपलोड करके उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं। तो मैं इधर से कोई अपनी कोई पिक्चर देख लेता हूँ एक, तो ये मैं एक देखता हूँ, ये देखें ये अपलोडिंग हो रही है। जैसे ही अपलोडिंग होती है तो यहाँ पे ये हमारी पिक्चर आ जाएगी। तो फिर उसको थोड़ा एडिट करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपना जो है थंबनेल, नहीं तो आप अपनी फेसबुक पिक्चर वगैरह कुछ भी आप इधर यहाँ पे अपलोड करके ऑनलाइन, आपको किसी सॉफ्टवेयर को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये जैसे ही कम्प्लीट होती है तो आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये देखिए कलर्स में काफ़ी आपके पास बैकग्राउंड कलर आ जाते हैं। तो ये देखो दोस्तों अपलोड कंप्लीट हुई, अब इसको एडिट करते हैं। ये देखो दोस्तों आपके पास ये पिक्चर आ गई, तो इसको उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो ये देखिए ये आपके पास एक टाइटल आ गया, इधर आप अपना टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये थंबनेल अच्छा नहीं लगता इधर से, यानी कि अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैं थंबनेल के ऊपर काफ़ी, ये मेरे सॉफ्टवेयर की मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। तो ये देखें दोस्तों, आप इधर से अपना जो है अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, उधर ग्राफिक्स में आ जाए तो ये पिक्चर है, इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहे लिख सकते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट्स में आ जाए, इफेक्ट्स में भी आपके पास काफ़ी सारी ये ऑप्शन होंगी, इसको आप हाईलाइट इसकी इफेक्ट्स में ब्लू कलर ये देखें, ब्लर करना चाहें तो ब्लर भी कर सकते हैं, ये काफ़ी आपके पास ये देखें, इधर से आप अपनी पिक्चर जो है बहुत प्यारी भी बहुत अच्छी जो अपना बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट्स वगैरह अपना थंबनेल जो है बेस्ट कर मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये देखिए ग्राफिक्स में आपके पास काफ़ी सारे ये लोगोस वगैरह आ जाते हैं, तो ये लोगो वगैरह आप देख के इधर लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ से आप दोस्तों फ़ोटोज़ पे क्लिक करें तो आपके पास फ़ोटोज़ भी आ जाएंगे, तो यहाँ से अगर आपने फ़ोटो कोई अपलोड करनी है तो फ़ोटो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद ये शेप में काफ़ी सारे आपके पास निशान आ जाएंगे, तो ये देखें फ़ोटो अगर आप चाहें तो फ़ोटो भी लगवा सकते हैं, तो यहाँ से देखें आप अपना फ़ोटो भी लगवा सकते हैं एक साइड पे, तो उसको जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें वो भी काट सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप अपने जो है बेस्ट जो है यहाँ से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, कोई और पिक्चर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें इफ़ेक्ट्स में आप जो है कलर की ओवरले को कम ज़्यादा ओवरले जो है कलर अपना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें पैटर्न्स में आप देख लें, पैटर्न्स में आपके पास काफ़ी सारे पैटर्न्स आ जाएंगे, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद अपना जो है आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन वगैरह हैं, आप उनको इस्तेमाल करके अपना जो है बेस्ट लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शुक्रिया।